मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। अपनी दौर की खूबसूरत अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री आज सुर्खियों में है। उनकी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें आज मीडिया में छाई हुई हैं। इन लेटेस्ट तस्वीरों में मीनाक्षी के चेहरे पर बढ़ती उम्र का असर दिख जरूर रहा है, लेकिन वो आज भी खूबसूरत लग रही हैं। आप जानते हैं, मीनाक्षी जब 17 साल की थी तब वो मिस इंडिया चुनी गई थी। तब वो शशिकला शेषाद्री के नाम से जानी जाती थी। मिस इंडिया बनने के बाद अखबार में उनकी फोटो छपी और जब उस तस्वीर पर मनोज कुमार की नजर पड़ी तभी उन्होंने तय कर लिया कि उनकी आने वाली फिल्म पेंट बाबू की हीरोइन वही होंगी और बिना स्क्रीन टेस्ट किए मीनाक्षी को इस फिल्म में साइन कर लिया गया। बस एक ही अड़चन थी, शशिकला का नाम, क्योंकि इस नाम की एक हीरोइन पहले से ही थी। तब तय हुआ कि इस शशिकला को बॉलीवुड की दुनिया में मीनाक्षी शेषाद्री के नाम से जाना जाएगा। बहरहाल ये है उनकी कुछ तस्वीरें जो आजकल की तस्वीरें हैं और खूब ज्यादा वायरल हो रही हैं। पेंटर बाबू बुरी तरह से फ्लॉप रही और इस बात से मीनाक्षी का हिंदी फिल्मों से मोह भंग भी हो गया। वो बॉलीवुड छोड़ने का मन बना चुकी थी। तभी शोमैन सुभाष घई अपनी फिल्म हीरो के लिए हीरोइन की तलाश में जुटे थे और उनकी ये तलाश मीनाक्षी पर आकर ठहर गई। इस रोल के लिए मीनाक्षी तैयार नहीं थी, लेकिन सुभाष घई ने उनसे काफी रिक्वेस्ट की और बड़ी मिन्नतों के बाद मीनाक्षी फिल्म में काम को राजी हो गई और फिर रचा गया रुपेले पर्दे पर फिल्म हीरो का ऐतिहासिक अफसाना। यह 1983 में रिलीज हुई हीरो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मीनाक्षी शेषाद्री रातों रात स्टार बन गई। कामयाबी का पैमाना ये था कि 32 साल पहले हीरो ने बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। उस दौर में सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्में ही इतनी कमाई कर पाती थी। जल्द ही मीनाक्षी अमिताभ के साथ काम करने लगी। अमिताभ और मीनाक्षी की जोड़ी पर्दे पर सुपरहिट रही। शहनशाह के बाद गंगा जमुना सरस्वती, तूफान और अकेला भी साथ साथ की। अमिताभ के साथ ने मीनाक्षी का करियर चमका दिया। 80 के दशक में श्रीदेवी के स्टारडम को टक्कर देने वाली मीनाक्षी अकेली हीरोइन थी। बहरहाल इन लेटेस्ट तस्वीरों से अपने दौर की यह अभिनेत्री आज फिर से चर्चा में है। आप मुझे ये बताइए कि आज की ये तस्वीरों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।